कभी दशहरा, कभी नवरात्रे, तो खुशी तो मनाएंगे ना थोड़ी सी। सही बात है बेचारे सुरेन जी, आज दिवाली आज मत खाओ, आज दशहरा है आज मत खाओ। अभी सुरेन जी को मौका मिला है, सुरेन जी की टपक टपक की खुशियाँ वो हो रही हैं, झूम झूम जा रही हैं। हे गाइस वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मॉर्निंग में हम लेट उठे क्योंकि सुरेन जी का कल वैक्सीन लगा था, जैसे कि आपको पता ही है। तो सुरेन जी ने और हम सब ने भी रेस्टिंग मोड पर आ गए। आज बनाया मैं नाश्ते में दलिया। हेलो बोलो दोस्तों। हेलो। मैंने दलिया बच्चों के लिए, सुरेन जी ने आज लिया है हाफ डे। फिर हाफ डे के बाद जाएंगे, कितने बजे जाओगे? 12:30 के बाद ऑफिस जाएंगे। आज गए कपड़े लॉन्ड्री में, लॉन्ड्री में जी लॉन्ड्री में। सर्फ होने वाला है ख़त्म, तो सर्फ भी लेकर आऊँगी। अभी दो लॉट में कपड़े धुलने वाले, पहला तो नॉर्मल वियरिंग कपड़े और दूसरा ये चादरें। चादरें अलग धुलेंगी, नॉर्मल वियरिंग अलग धुलेंगे। मैं ना नॉर्मली रोज़ मशीन लगाती हूँ, केवल थर्सडे छोड़कर, क्योंकि थर्सडे को ना हम मानते हैं कि ये वॉशिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्लॉथ वॉशिंग और कोई भी ऐसी चीज़ ना, क्योंकि वो बृहस्पतिवार का दिन होता है। बाकी रोज मैं मशीन लगाती हूँ। टंटल भी कर रही हूँ, टंटल भी डालो ना, टंटल से तो फ्लेवर आता है ना असली। मैंने ये डाल तो नहीं काट के, ये रहे ना कटे हुए, ये भी डालूं? हाँ, इसी असली मजा इसी में है खाने का। ऐसा क्या? हाँ देखो, डाल के बहुत अच्छा लगता है ये वाला टंटल जो है ना, इसका बहुत टेस्ट रहता है, बहुत फ्लेवर रहता है इसमें। ठीक है, छुट्टी रख लो ना पापा। नहीं बेटा अभी जाऊंगा और फिर कल छुट्टी रहेगी मेरी फुल डे। अभी जाऊंगा, कल फिर पूरा दिन छुट्टी है, कल तुम लोगों के साथ में खेलूंगा। नहीं, okay? नहीं, नहीं, अभी अभी ऑफिस, अभी सेकंड हाफ में ऑफिस जाना है। रात में नहीं, अभी रात में कौन सा ऑफिस होता है रंजी? दिन में रहता ऑफिस, दिन जाऊंगा। चलो जिद मत करो, अभी नहीं जा रहे, थोड़ा आधे घंटे में जाएंगे। ठीक है, आधे घंटे कम से कम गार्डन में तो आ जाओ बेटा अभी, पर अगर मैं तैयार होऊंगा तो लेट हो जाऊंगा। कम से कम गार्डन में, मैं सब्जी बना रही हूं, मैं सब्जी बना के आती हूं। ठीक है, हेलो बेबी, थैंक यू। चलो गए तैयार, चलो चलते हैं, चलो रेनू हटो, रेनू जाने देना पापा को। बाय 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 बाय, मिलते हैं। अरे बस करो भैया मेरे, तो फोन कर देना, ठीक है कुछ काम है। हाँ ठीक है, चलो बाय। और पारुल कैसी हो? इधर तो देख, पारुल बहुत शर्मा जाती है। अब सुरेन जी गए ऑफिस और अब हम माँ बेटा खाने लग रहे हैं खाना, आलू गोभी की सब्जी। जैसा कि मैंने कल बोला था, देखो एक गोभी में कितनी सारी सब्जी बन गई, और वो एक गोभी सुरेन जी ग्रेट करते तो चार ही परांठे बनते, किसी का पूरा भी नहीं होता। दे रही हूँ बेटा, आपको भी दही मिलेगी। पहले भैया ये देखिए, ये परीक्षित का खाना। मम्मा, मैं प्रे, एक भी दूंगी ना। हाँ ये लो बेटा खाओ, ये लो। तो गोभी की जो सब्जी होती है ना, वो कैसे भी बना लो, प्याज डाल के, बिना प्याज के, कैसे भी, हमेशा टेस्टी ही लगती है। हम खा रहे पराठों के साथ, क्योंकि सुरेन जी को रोटी पसंद है, हम लोगों को पराठे पसंद है ना रनु। रनु पहले अपनी दही उड़ाने में लग रहा है, गुड बॉय। सुरेन जी ना बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो डंठल है ना जो मैं नहीं डाल रही थी, वो डंठल का स्वाद बहुत टेस्टी हो रहा है, उससे सब्जी का ना मतलब लेवल ही अप हो गया है। पता है आपको, ये जो एक मिर्ची है ना, ऐसा मेरे को किसी ने बताया है, पता नहीं किसने, पर ना अपने खाने में ना मतलब दिन में एक मिर्ची ज़रूर खानी चाहिए, इससे क्या होता है ना डाइजेशन अच्छा होता है। और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता। आज रणवीत की फरमाइश आई है कि रणवीत को अपने सीसो में झूलना है, बैठेंगे, पूरा गंदा हो गया ये हो गया साफ। आज अभी चलो चलो झूला झूला झूलेंगे बालक मेरे। ये ना पिछले कोविड में जो पहली लहर आई थी ना, तो ये नुनू पुन्नू से थे, ये चार साल का था, नहीं नहीं 4 ईयर के थे आप, 4 साल का। अच्छा ये 5 साल के थे और ये 2.5 साल के थे, तो ये घर में बोर होते थे, तो मैंने ये मिनी प्लेग्राउंड बनाया था इनका, ये वाला झूला मंगवाया था इनका ऑनलाइन, ये वाला झूला मंगवाया था। फिर मेरी हेल्प करी इन झूलों ने ना,
मैंने अमेजोन से ही मंगवाए थे दोनों झूले, ताकि बच्चे अपने घर में ही बिजी रहें। तो उन्होंने काफ़ी मेरे को हेल्प करा इन झूलों ने, ये दोनों आपस में खेलते रहते थे, वरना मेरा तो टाइम ही पास कैसे होता, दोनों ये संग बराबर के बच्चे। आजा, वेलकम बैक सिंगम। सुरेंद्र जी कहते ही चाय पार्टी चालू, पीकू रन्नू का हॉर्लिक्स वाला चॉकलेट फ्लेवर वाला दूध शाम के टाइम वाला, ये हमारे नट्स पार्टी। सुरेंद्र जी ऑफिस से आते ही दोबारा ऑफिस के कामों में बिजी। रन्नू बेटा ये आखिरी बच रहा है आपका, देखो ये नाटक नहीं बेटा, नहीं गुड बॉय, चलो जाओ नाटक दिखाते हैं नट्स खाने में ये दोनों, इसीलिए शाम को देती हूँ मैं इन दोनों को, शाम को भूख लगती है ना तो चुपचाप खाते हैं, नहीं तो पूरे दिन मुझे भगाते हैं, खाना ही खाते ही नहीं है नट्स। बेटा नट्स भी खाने की चीज़ होती है, बच्चों को बहुत हेल्दी होता है। रेंजी मम्मा को देखो, हेल्दी होता है बेटा, खाना चाहिए। बोल सच्चे दरबार की जय। चाय पीने लग रही हूँ, फ्रेंड जब से आए हैं वो थोड़ा बिजी हैं अपने ऑफिस के वर्क में। है शाम हो गई, लाइट जला दो, यही लाइट है जो मैं जलाती हूँ, बाकी सब लाइटें मैं बंद करती हूँ। जी को मिल गया है टाइम और वो कहीं हमें लेके जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ। दिवाली हो रही है, दिवाली है, दिवाली टाइम, ये बेबी कहाँ जा रहे हैं? हम चिकन लेने जा रहे हैं। चिकन लेने बनाएगा कौन? मैं। बहुत बढ़िया, फिर तो हम एंजॉय करते हुए जाएंगे राइड को। सुरेंद्र जी बनाएंगे चिकन। लाइट ऑफ कर देती हूँ मैं, क्योंकि अब हम लोग सोसाइटी से बाहर निकल गए, तो बाय, दोबारा मिलते ही आएंगे। ये बेचारा फुल पापा का वेट कर रहा है, इमोशनल हुए जा रहा है, पापा का चमचा है एक नंबर का। आ रहे हैं सुरेंद्र जी, चले तो हमने, अरे मुझे भी ले लो, और इससे कर दूंगा मैं जो वैक्सीन के इफेक्ट को धराशायी, पूरा का पूरा जीरो निलीफाई। आज खुशी बहुत है सुरेंद्र जी, चेहरे से टपक टपक रही है, क्या आज अपने पसंद वाला खाना बन रहा है ना, जो बचपन में भी खाते थे। बहुत दिन हो गए यार चिकन विकन नहीं खाया था, तो आज मौका मिला। कभी दशहरा, कभी नवरात्रे, कभी कुछ, अरे यार चिकन बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, आज इतने दिनों बाद मिला तो खुशी तो मनाएंगे ना थोड़ी सी। ये बच्चों के लिए चिकन छोटे छोटे से फ्राई करे हमने, बच्चे खाएंगे अभी। माय गॉड, चिकन बहुत अच्छा था और सबसे बढ़िया चिकन हमने नहीं खाया था, रेस्टोरेंट फॉल हो गया, फेल हो गया, और हमने खाए मस्त मस्त। तो कमेंट, शेयर और लाइक आवर यूट्यूब चैनल विच इज रन्नू पीकू एंड मॉम व्लॉग्स। आ शू बनी नहीं थी वीडियो, रन्नू बेचारा, रन्नू के साथ बात बुरा हो गया, रन्नू इतना बड़बड़ाया, लल्लड़ के इससे फोन लिया, रन्नू की वीडियो ही नहीं बनी।